भारत को विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। यह सिर्फ बात नहीं है, मैं आपको बोलता हूं कि यह हमारी आवश्यकता है, यह हमारी जरूरत है। हमें विश्व गुरु बनना ही पड़ेगा, हमारे पास विश्व गुरु बनने के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं बताता हूं। आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है? चाइना। कितने पॉपुलेशन है? 141 करोड़ है आज के हिसाब से, मैंने देखा कितनी है, 141 है ना करोड़ है, 141 करोड़ है सिंधी बात। हमारे देश की कितनी है? 140 करोड़। कितनी है? 140 करोड़। और चाइना कितनी है? 141 करोड़। बहुत ज़्यादा फर्क है ना, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यूएन के मुताबिक हम बहुत जल्दी ही, वैसे तो यूएन के मुताबिक तो हम आगे आ चुके हैं, बहुत जल्दी हम नंबर वन पे आने वाले हैं। अब इसमें हमारे लिए चिंता का विषय भी है। अब मुझे बताएं कि चाइना के पास एरिया कितना है, जगह कितनी है, कोई बता पाएगा क्या? लगभग 9.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जगह है किसके पास? चाइना के पास। और हमारे पास कितनी जगह है मालूम? कितनी है? 3.28 है, तो 3 मान लेता हूँ मैं, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास। ठीक, मैं आप और आगे बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा जगह किस देश के पास है? रशिया के पास। कितनी जगह है? 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितनी जगह है? स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका के पास कितनी जगह है? उनके पास भी लगभग 9.2 या 9.3 इस टाइप से कुछ, या 9.7 स्क्वायर किलोमीटर जगह है ना। ब्राज़ील के पास भी लगभग इतनी जगह है, कनाडा के पास भी लगभग इतनी जगह है ना। और भारत के पास कितनी जगह है? 3.3 मान लेता हूँ मैं, 3.2 कुछ पढ़ा था मैंने, 3.3 मिलियन। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि भारत के पास, किसी व्यक्ति के पास 3 बीघा जमीन है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो देश की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति में तो भी और बहुत कम हो जाएगी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चलो मैं थोड़ा सा और डेटा आपको बताता हूँ। रशिया की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है? रूस की पॉपुलेशन कितनी है? 14.8 है, यानी कि लगभग 15 करोड़। कितनी जनसंख्या है? जगह कितनी उनके पास? 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अमेरिका के पास कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 33 करोड़। कितनी पॉपुलेशन है? 33 करोड़। जगह कितनी है? 9.3 या 9.7 ऐसा कुछ है, मतलब 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इतनी जगह है अमेरिका के पास। चाइना के पास पॉपुलेशन कितनी है? 1.41 यानी कि 141 करोड़ जब पॉपुलेशन है, लेकिन जगह कितनी है? 9.3 के आसपास मिलियन स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास भी जगह है। यानी कि इंडिया में यदि मान लो हमारे पास 3 बीघा जमीन है, तो चाइना वाले के पास कितनी जमीन है? 9 बीघा जमीन। 3 बीघा से ऊपर है हमारे पास, तो उसके पास 9 बीघा से ऊपर ज़्यादा है। रूस के पास, हमारे पास 3 बीघा, तो रूस के पास कितनी है? 17 बीघा में, ऐसा मतलब एक मैं बीघा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो तो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि रूस के पास खाली 15 करोड़ लोग हैं और 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जगह है। अमेरिका के पास जो है 33 करोड़ लोग हैं, कितने? सिर्फ 33 करोड़। हमसे 109 करोड़ लोग जो है कम है ना, हमसे 110 करोड़ लोग जो है कम, हमसे 100 करोड़ से लोग कम लोग हैं वहाँ पर, और हमसे एरिया 3 गुना ज़्यादा है, एरिया 3 गुना ज़्यादा है। जगह की टेंशन किसको होगी? अपने को, हमें होना चाहिए कि अमेरिका को होना चाहिए? चाइना को होना चाहिए कि इंडिया को होना चाहिए? पहले इंडिया को होना चाहिए, भारत को होना चाहिए। तो भारत के पास जगह की कमी है, तो व्यक्ति किसकी इज्जत होती है? जो ताकतवर होता है उसकी, कि जो कमजोर होता है उसकी?
ताकतवर, यानी कि या तो आप धन से बलवान हो, मन से बलवान हो, है ना, या तो आप धन से बलवान हो या फिर मन से बलवान हो या फिर बाहुबल से बलवान हो, किसी भी तरीके से बलवान तो आपको बनना पड़ेगा। अब माँ, अब ये बात तो तय होगी कि भाई आपके पास जगह कम है तो धन से बलवान होना आपका मुश्किल, थोड़ा कम मुश्किल है, लेकिन आप मन से बलवान तो हो सकते हो, आप बुद्धिमान हो सकते हो, और यही हमारी सबसे असली पूंजी है। हमारा देश में आज भी हमारे पास यदि लोगों, आज हमारे पूरे विश्व में आज यदि भारत आगे बढ़ रहा है तो उसका वजह क्या है? उसका वजह है आप लोग, उसका वजह है आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो, इसकी वजह है आप लोग इंटेलिजेंट है वो। आप देखें आज हमारे देश में देश की पढ़ाई किस बारे में हो रही है, देश की पढ़ाई किस बारे में हो रही है सर? देश की पढ़ाई इस बारे में हो रही है कि हमने चंद्रयान पर, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हुआ, चंद्र पर हम पहुंच गए, ये किसकी बात है? ये ज्ञान की बात है कि नहीं है? ये ज्ञान से पॉसिबल हुआ है कि सिर्फ धन से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ धन से नहीं, ज्ञान से पॉसिबल हुआ है। आज अमेरिका का की बड़ी कंपनी गूगल की कंपनी का सीईओ हमारे देश का है, ये ज्ञान की बात है या फिर धन की बात है? माइक्रोसॉफ्ट में हमारा सीईओ है, किसकी बात है? अरे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश, हमारे मतलब भारतीय मूल का है, ये किसकी बात है? अरे कनाडा में मतलब समझ लो कि पंजाब है वो आधा, ये किसकी बात है? ज्ञान की, ज्ञान होगा, स्किल होगी, कुछ ना कुछ आता होगा, तभी तो वहां पर जाकर के लोगों काम कर रहे हैं। हमारे देश से कितने लोग विदेशों में जाते हैं और अच्छे बड़े लेवल पर वो बड़े पद पर काम कर रहे हैं, बड़े पद पर उनको काम क्या ऐसे मिल गया? क्या सुंदर पीछे 5वीं फेल होगा? इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स ये है कि ज्ञान, ज्ञान यदि आपके पास है तो पूरा विश्व आपका सम्मान, पूरे विश्व में आपकी पहचान, और ज्ञान होगा तो आप विश्व गुरु बनेंगे। और विश्व गुरु आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जमीन कम है, क्योंकि जमीन आपके पास कम है और पॉपुलेशन आपके पास ज्यादा है। अब ज्यादा पॉपुलेशन है, अब भाई हम तो ज्ञानी लोग हैं, जब हम आगे भी बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है, अब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, इट मीन्स क्या? सबको बंगला चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको धनदान चाहिए, अब इतनी तो जगह है नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हम हमारे ज्ञान के बल पर हम विदेशों में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, और विदेशों में जाएंगे वहाँ की अंग्रेजी तो हम सीखेंगे सही, उनको हम हिंदी भी सिखाएंगे, उनको हम हिंदी भी सिखाएंगे। जब हम शक्तिशाली होंगे तो लोगों के हमारी भाषा नहीं सीखेंगे क्या? हमारी भाषा नहीं सीखेंगे लोगों? सीखना पड़ेगी। जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसका अनुसरण दुनिया करती है, कमजोरों का अनुसरण नहीं किया जाता है, भिखारी को देख करके भिखारी नहीं बना जाता है, अमीर को देख करके लालसा होती है कि मुझे भी अमीर बनना चाहिए, अमीर बनने के लिए मैं ज्ञान अर्जन करूंगा, मैं धन अर्जन करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अमीर बनना चाहूंगा। आपके आप जब कहीं जा रहे हैं, एक ज्ञानी पुरुष है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई सा भी छोटा बड़े, छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहा हो, उसकी इज्जत करेंगे आप या एक अनपढ़ा है व्यक्ति भी है और बदतमीज भी है, किसकी इज्जत करेंगे आप? पढ़े लिखे की इज्जत करेंगे आप? यदि जो आप कर रहे हैं वही पूरा विश्व करेगा, तो विश्व गुरु हमें बनना जरूरी भी है और विश्व गुरु हम बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि जब आप ताकतवर होंगे, जब आप शक्तिशाली होंगे तो लोगों ने आपका अनुसरण करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमें अमेरिका में जाना है या हमें ब्रिटेन में जाना है, हमें उधर जाना है, हमें उनसे अच्छे संबंध करना, हम अच्छे उनसे रिलेशन चाहते हैं, तो क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनके रिलेशन हमसे अच्छे हो? नहीं चाहेंगे क्या? चाहेंगे। तो यदि हम यदि
हिंदी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? Yes, sir. सहमत हैं? Yes, sir. तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कौन बनेगा विश्व गुरु? कौन बनेगा? जो बनेगा हाथ ऊपर करो, ऐसे करो भाई। कौन बनेगा विश्व गुरु? कौन बनेगा विश्व गुरु? हम बनेंगे, हम हिंदी भाषी विश्व गुरु बनेंगे। हम सब भाषा, हम जो भाषा की जरूरत पड़ेगी उस भाषा का हम ज्ञान अर्जित करेंगे, लेकिन हम विश्व गुरु बनेंगे और हम बनके ही बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।